हेलो। सो बेसिकली इस वीडियो में हम काउंसलिंग्स कॉलेज के काउंसलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो कि IITs एंड IITs में काउंसलिंग होती है JEE मेंस और JEE एडवांस क्वालिफाई करने के बाद। तो उससे रिगार्डिंग ये वीडियो है। सो बेसिकली सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि काउंसलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। आपने इतनी मेहनत की है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप कह सकते हो उन 0.1% बच्चों में से हो इंडिया के, उन 15 लाख में से उन 50,000 या 2 लाख बच्चों में से हो जिन्होंने JEE मेंस क्वालिफाई किया, और JEE एडवांस वाले 20,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके बाद आपने मेहनत तो कर ली, पर उसको एक प्रॉपर एक सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हमको बोलते हैं ना कि फिजिक्स में स्केलर और वेक्टर होता है, ठीक है, तो स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। सो वो डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई ना कोई काम एक बहुत इफ़ेक्टिवली होता है। उसी तरीके से आपने मेहनत बहुत कर ली है, आपके पास मैग्नीट्यूड है, पोटेंशियल है, जिस वजह से आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो आपके हाथ में तो आपने कर लिया। नाउ अब इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है, उन करियर ऑप्शंस को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना। आपके पास अभी लगभग 31 NIT, 23 IIT, 26 IIIT, इतने सारे ऑप्शंस है, 10 या 15 ब्रांचेस है, तो उनमें से कौन से आपके लिए बेस्ट सुटेबल है, उस ब्रांच को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के चल दें। सो उसी के लिए हम काउंसलिंग करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि काउंसलिंग इज़ टू गेन नॉलेज अबाउट द अवेलेबल करियर ऑप्शन। हमारे पास जितने भी करियर ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में हमको नॉलेज होना, ठीक है। और इस कोर्स में मैं पूरी तरीके से हर एक पॉइंट को मैं एक तरीके से हाईलाइट करूँगा कि काउंसलिंग में जनरली क्या क्या गलतियाँ होती है और इनको कैसे अवॉइड करना। क्योंकि देख लो, काउंसलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने यहाँ से चूज़ कर लिया, ये समझ लो कि 10th के बाद जैसे हमने साइंस ली तो अब आर्ट साइड से हमारा बिल्कुल रास्ता अलग चेंज हो गया, ठीक है। 12th के बाद आपने इंजीनियर कोचिंग की तो आपका रास्ता बिल्कुल अलग हो गया बाकियों से, BA BSc वालों से। अब यहाँ से भी आपके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाएं कि आपको एक IT फील्ड में जाना है, कोर फील्ड में जाना है, और बाद में ये रिग्रेट ना हो 4 साल बाद कि काश मैं वो ब्रांच ले लेता, उसमें ज़्यादा स्कोप। वो हर एक पर्सपेक्टिव आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वो अभी हमको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, ठीक है। कॉलेज में जाके 4 साल बंदा दूसरा पढ़ता है, एंड में कुछ और पढ़ते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट वगैरह के लिए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए ये कोर्स मैंने आपके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया, ठीक है। सो करियर ऑप्शन के लिए आपको स्ट्रेंथ क्या है आपकी, आपको सबसे पहले आपका सबसे मजबूत पक्ष क्या है, ठीक है, सबसे वो आपको जानना है कि ओके आपको क्या कंप्यूटर पसंद है, क्या आपको फिजिक्स पसंद है, क्या आपको मैथ्स पसंद है, और ऐसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें आपकी जो स्ट्रेंथ है एक तरीके से काम है। सेकेंड क्या है, नीड, कि सोसाइटी की नीड क्या है। जब तक आप ग्रेजुएट होंगे 5 से 10 साल बाद, तब तक सोसाइटी की नीड क्या होंगी उस समय तक, ठीक है, वो आपको सोचना है। क्योंकि जब मार्केट में डिमांड होगी, सोसाइटी को आपको ज़रूरत होगी, तभी तो भाई कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे ना। अगर सोसाइटी को आपको ज़रूरत ही नहीं है तो जॉब्स क्यों मिलेगी, ठीक है। आप देख सकते हो आजकल कोर सेक्टर में बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, IIT से शायद से उनका 10 गुना ज़्यादा सिलेबस है कोर में, लेकिन फिर भी 10-10, 15-15 हज़ार में जॉब कर रहे हैं। MTech कर लिया है, 15,000-20,000 में बंदा जॉब कर रहा है, नहीं तो बेरोजगार। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नीड नहीं है मार्केट में, वो नीड नहीं है उनकी जितनी होनी चाहिए थी। आजकल सब आर्ट, एक तरीके से आप कह सकते हो तो कि रोबोट मशीन्स वगैरह बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच चुकी है, ऑटोमेशन ज़्यादा हो गया है, सुपरविजन के लिए कैमराज वगैरह लग चुके हैं, तो उतने ज़्यादा एक तरीके से इंजीनियर्स जो है बहुत ही हमारे, मतलब कह सकते हो कि हमारा जो अभी एजुकेशन सिस्टम है उतना मॉडिफाई हमने किया नहीं है,
वो 60 साल पुराना कोर्स चल रहा है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में देखोगे कोर में क्या पढ़ना हमको, रोबोटिक्स, AI, मशीन लर्निंग, इस तरीके की चीज़ों में हमको फोकस करना है, लेकिन 4 साल कॉलेज में कुछ और पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं घर आके तो फ्यूचर कुछ और, ठीक है, डिजाइन क्रियो वगैरह। तो नीड समझने की, ओके, मार्केट की नीड क्या है, अब देखने की फ्यूचर में सक्सेस होने के चांस क्या है। वही हम करियर क्यों हमने साइंस ली, क्योंकि हमें लगता है प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की ज़्यादा साइंस में है, ठीक है। हमने इंजीनियरिंग क्यों ली, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसा माना जाता है कि इंडिया में अच्छा इंजीनियरिंग के बाद ये सोचता है कि ओके मुझे करना क्या है, क्योंकि इंजीनियर के पास सब कुछ अवेलेबल रहता है, वो हर एग्ज़ाम दे सकता है, वो मतलब किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है, और साथ जितने भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, आप UPSC उठा लो, आप CAT उठा लो, जितने भी एग्ज़ाम्स है, इंजीनियर्स दूसरों के डोमेन्स में घुस के भी टॉप करते हैं। तो इस कैटेगरी में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका इंटरेस्ट, ठीक है, आपका इंटरेस्ट हो, अगर नहीं है इंटरेस्ट, लेकिन आपको पहले ऊपर ध्यान इस पे देना, नीड और चांस ऑफ सक्सेस, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है जैसे ही नॉलेज, मेरा मानना यह है कि इंटरेस्ट जो है नॉलेज के साथ आता है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है तो इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन ठीक है इंटरेस्ट नहीं हुआ, सर्वाइवल इज़ इम्पॉर्टेंट भाई, सर्वाइवल, ठीक है। तो उस सर्वाइवल के लिए आपको मार्केट की नीड और फ्यूचर में सक्सेस होने के चांस किया वो ज़रूरी है, ठीक। तो ये मेरा एक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट था कि ठीक है हमें कॉलेज की काउंसलिंग क्यों करनी है, क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो नेक्स्ट में हम अब एक्चुअल काउंसलिंग को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर से करना, ठीक। सो थैंक्स।